भागलपुर के अकबरनगर थाना क्षेत्र के मोतीचक दियारा में किसान की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण मोतीचक दियारा क्षेत्र में भय का माहौल होने पर पुलिस ने 24 घंटा के अंदर इस हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए पर्दाफाश कर दिया है। वहीं डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि अकबरनगर मोतीचक दियारा में किसान अनुज कुमार की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जो सिटी एसपी व डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में एक टीम को गठित करते हुए 24 घंटा के अंदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इस केस के उद्भेदन में डॉग स्क्वाड को भी लगाया गया, जो एलेक्स की मदद से हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त विनय मंडल एवं सहयोगी चंदन कुमार व बबलू मंडल को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा विनय मंडल एवं मृतक किसान अनुज की पत्नी से अवैध संबंध की बात सामने आ रही है, जो बांस का डंटा से पीट पीट कर किसान अनुज कुमार की हत्या कर दी गई थी। अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए उनके पास मोबाइल एवं बांस का डंटा बरामद किया गया है। इस टीम में सर्किल इंस्पेक्टर रतनलाल ठाकुर, शाहकुंड थाना अध्यक्ष पंकज कुमार झा, एसआई सूरज कुमार, एसआई संतोष कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। कल 7 तारीख को पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की निर्मम तरीके से मारकर हत्या कर दी गई है, और पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस टीम वहाँ पे मोतीचक जो भैया है वहाँ पे स्पॉट पे पहुँची, और उन्होंने देखा कि लाठी से और ईंट से मारकर गला घोटकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। कांड की गंभीरता को देखते हुए सिटी एसपी सर भागलपुर द्वारा एक टीम का गठन किया गया, और 24 घंटे के अंदर त्वरित कार्रवाई करते हुए इस टीम ने इस कांड का सफल हत्याकांड का सफल उद्भेदन किया है। और इस कांड में एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल किया गया है, और बहुत कारगर इस्तेमाल किया गया है। जो डॉग स्क्वाड है उसके थ्रू हमने जो प्रारंभिक जो अनुसंधान है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में हमने जो नामजद जो प्राथमिकी अभियुक्त है विनय मंडल उसको हमने गिरफ्तार किया, और विनय मंडल को गिरफ्तार करते हुए उनके कन्फेशन में उनके निशानदेही पर हमने बबलू मंडल और चंदन कुमार इनको गिरफ्तार किया गया। 3 लोग इस घटना में शामिल थे, और उन्होंने बांस के लकड़ी से, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है, बांस से और ईंट से, दोनों चीज़ से, बांस के डंडे से मिल के गला घोट के ये कृत्य किया था। और मेन जो इसका मोटिव है इस पूरे कांड का, वो मृतक का जो है वो विनय मंडल की पत्नी के साथ अवैध संबंध के बारे में ये बात प्रकाश में आ रही है। ये प्रमुख कारण रहा कि इन तीनों ने मिलके जो है मृतक को खोजी कुत्ते की क्या भूमिका रही इस केस में? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही जो खोजी कुत्ता है, उसका स्वान जो दस्ता था वो एलेक्स उसका नाम है, और जो खोजी कुत्ता होता है वो जो भी अक्रेंस होता है, जो पीओ होता है जहाँ पे हत्या हुई थी, और वहाँ का कनेक्शन किस व्यक्ति से है और किस स्थान से है वो एस्टेब्लिश करने में मददगार होता है। और वहाँ पे स्निफर डॉग था, तो उसने जो है जो विनय मंडल है जो मेन प्राथमिकी अभियुक्त है उसको उसने कहीं ना कहीं मतलब वहाँ पे जाके त्वरित कार्रवाई हुआ और उसने चिन्हित किया एलेक्स ने वहाँ पे, तो उससे पुलिस को एक बहुत बड़ा सूत्र मिला, और वहाँ से फिर हमने इंट्रोगेशन स्टार्ट किया, और ये जो केस है बहुत जल्दी जो है अनफोल्ड हो गया, खुल गया। तो जो एफएसएल और डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो बहुत कारगर इस्तेमाल जो है पुलिस टीम ने किया है। सर, अमित झा मामले में अब तक क्या कुछ देखिए, अभी तो मतलब कल ही हमने जो मेन षड्यंत्रकर्ता है हिमालय उसको गिरफ्तार करके हमने जो है उनको न्यायिक हिरासत में भेजा है, और अभी स्पेशल टीम का गठन किया गया है, और सिटी एसपी सर जो है इसको पर्सनल मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और अभी छापेमारी जो है कंटिन्यू है, और हम लोग शीघ्र अतिशीघ्र इसमें जो है सब सर कब तक बरामद कर लिया जाएगा? देखिए, अभी हम लोग 2 तरीके से इसमें शव भी है और जो मेन 1-2 अभियुक्त जो बचे हुए हैं उनकी भी गिरफ्तारी, दोनों एक टीम हमारी जो है गिरफ्तारी के ऊपर फोकस कर रही है और एक बरामदगी के ऊपर कंटिन्यूस जो है हमारी टीम फोकस कर रही है। एक तो क्लेरिफिकेशन 1-2 लाइन कर दीजिए शॉर्ट में, ये षड्यंत्र जो मतलब बात आई हिमालय का, इसमें शॉर्ट में सर थोड़ा देखिए, षड्यंत्र इस तरीके का है। देखिए, टेक्निकल एविडेंस जो है जो हम लोग हमारे पास आया, जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो टेक्निकल एविडेंस एनालिसिस किया, तो उसमें जितने भी मेन जो अभियुक्त हैं और जो भी अभी न्यायिक हिरासत में है और 1-2 जो है बाहर है, उनसे इनका जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है मतलब जो था हर समय जो
जो भी ये घटना घट रही थी उसके पूर्व भी जो है हर समय हर एक आदमी से जो भी इसमें संलिप्त है उनसे इनका कॉन्टेक्ट में जी। ऐसी ही खबरों के लिए करें SAY24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।